आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं चैनल वन और जम्मू परिवर्तन। आज ना सिर्फ कश्मीर का, श्रीनगर का, हिंदुस्तान का, यानी कि पूरी दुनिया का आज एक बड़ा दिन जो है मनाया जा रहा है, यानी कि आज बैसाखी है। बैसाखी के बहुत सारे पहलू हैं। एक तो जिस तरह से हर मजहब में एक पहला महीना होता है जिसकी एक बहुत बड़ी अहमियत होती है उनके पूरे साल के लिए, उसी तरह ये जो आज का दिन है यानी कि बैसाखी, आज सिखिज्म जो रिलीजन है उसमें एक बड़ा अहमियत रखता है। इसके साथ साथ आज इसी मज़हब का जो है खालसा जो है नाम 13 अप्रैल को पड़ा था, यानी कि पवित्र, प्योर, सारी दुनिया का सबसे प्योरेस्ट। तो आज इसका कह सकते हैं कि एक मुकम्मल कम्प्लीशन हुआ था और एक आगाज भी हुआ था। और इसी हवाले से अगर हम देखें पूरी दुनिया के साथ साथ आज शहर श्रीनगर में भी बैसाखी को बड़े गर्मजोशी और खुशी के साथ मनाया जा रहा है। लाखों की तादाद देख रहे हैं हम, जितने भी हमारे यहाँ पे गुरुद्वारे हैं वहाँ पे लोग जो है आ रहे हैं। ना सिर्फ हम कहेंगे कि जो मेरे साथ इस वक्त भाई हैं जो सिखिज्म से ताल्लुक़ रखते हैं, बल्कि जो यहाँ के कश्मीरी रहने वाले हैं, कश्मीरी भाई, वो भी हमने उनको भी बाहर देखा। मेरे साथ भाई हैं, पहले आपको आज के बड़े दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत। आपका नाम जाना था? मेरा नाम प्रभजोत सिंह। प्रभजोत सर, मुझे बताया कि सबसे पहले आज के दिन की इम्पोर्टेंस। देखिए, आज के दिन खालसा पंथ अपना 323वां जन्म दिवस मना रहा है। ये दिन वो दिन है जो लहर पहली पातशाही सिखिज्म के जो फर्स्ट गुरु थे श्री गुरु नानक देव जी पातशाह जी, उनके जन्म से जो उन्होंने दुनिया में जो कर्म कांड चल रहे थे उसमें से एक सिक्खी को उबार के जन्म दिया, उसको संपूर्णता, उसको कम्पलीटिशन जो दी वो गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में श्री आनंदपुर साहिब की धरती में दी। उधर श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने खालसा पंथ की जो सृजना की और लोगों को दिखाया कि इस उन लोगों को एक बादशाह का स्टेटस दिया, जो लोग समाज में बिल्कुल समझ लो उनको अनजस्टिस होता था उनके साथ, उन लोगों के साथ जो समाज में जिनको कुछ मानता नहीं थी, उन लोगों को गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक बादशाह वाला स्टेटस दिया जो समाज में डरते थे। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने उनको एक ऐसा स्टेटस दिया कि आज वो सारी दुनिया में छाए हुए हैं। खालसा पंथ उन रीतियों से निकला हुआ है जिन रीतियों में जात पात छुआछात समाज में चल रहा था, उस जगह से खालसा पंथ का जन्म हुआ है। तो आज के दिन हम सब अपना जन्म दिवस मना रहे हैं एक तरह से। बिल्कुल, मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि जब गुरु नानक जी दुनिया में आए तो 9 अवतार जो उन्होंने एक हिंदू के हवाले से लिए, लेकिन ये जो 10वां अवतार था तो इसमें सिंह का नाम जो है सामने आया, सिंह की शुरुआत हुई। जी, मैं पहले बताना चाहता हूँ कि जो 9 अवतार उन्होंने आपने बताए वो बिल्कुल सिख के थे। श्री गुरु नानक देव जी पातशाह जी ने जिस दिन ही इस दुनिया में जन्म दिया है उस दिन से उन्होंने ब्राह्मण गौ सनातन धर्म को छोड़ दिया और सिख पंथ एक न्यारा पंथ सामने रखा। जो 9 अवतार उन्होंने रखे उसमें वो तैयारी कर रहे थे कि अब ये जो लहर शुरू हो चुकी है अब इसको एक शस्त्रधारी लहर बनाना है, अब इनको एक संपूर्णता बख्शनी है, अब इनको एक कम्पिटिशन देनी है। उन्होंने एट लास्ट इनको एक सिंह का खिताब दिया, जो औरतें थी उनको कोर का खिताब दिया। आज के दिन गुरु पातशाह जी ने 5 सिरों की मान की जिसमें से 5 सिख उठे, उन्होंने अपने सिर गुरु साहिब जी के सामने रखे। उसके बाद श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने उनको अमृत छकाया, अमृत छका के उनको सिंह सजाया। हम भी यही अपील करते रहते हैं कि सारे ही अमृतधारी होके सिंह सजाएं और इस खालसा पंथ की न्यावली में त्यार बर त्यार हो जाएं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस तरह से आप देख रहे हैं आज जो लोगों की तादाद है अक्सर, क्योंकि आज हम भी महसूस कर रहे हैं कि जिस तरह से पहली जो पुरानी तादाद थी आज हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, तो किस तरह से देखते हैं आपसे? देखिए, 2 साल से जो कोरोना की वजह से 2020 में हम नहीं कर पाए थे, 2021 में किया था तब भी इतनी संगत नहीं थी, आज लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह है कि वो इस जगह पर आ रहे हैं। अकीदतमंदों का बहुत बड़ा हजूम जो है यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसी करके क्योंकि सारों के अंदर एक प्रेम भावना है, आज सबका जन्म दिवस है तो ये खुशी सबके अंदर है। कोरोना के बाद आज सारे इकट्ठे हुए हैं तो हम भी बड़े खुश हैं कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम होते रहें। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज के दिन के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे, ना सिर्फ क्योंकि आज का जो दिन है ये पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, जहाँ जहाँ पे भी हमारे सिंह है वहाँ पे ये दिन मनाया जा रहा है, तो क्या मैसेज रहेगा कश्मीर के अवाम के लिए और सारी दुनिया के लिए? देखिए, कश्मीर की अवाम ने, या हम सारी दुनिया की बात करें, खालसा केवल एक हम पर्टिकुलर सेट की बात नहीं है, ये इन जनरल सब के लिए बना है।
दुनिया में आज जहाँ भी प्रॉब्लम आती है सिख पंथ बिल्कुल खड़े होकर उस प्रॉब्लम का सामना करते हैं, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो या कोविड की महामारी में आपने देखा कि सिखों ने कैसा रोल जो है निभाया है। अब यही चीज़ जो है मैं अपील करना चाहता हूँ कि सिख पंथ के साथ आज भी कई चीज़ें जो हैं वो मेरे ख्याल से कानूनी तौर पर कभी अनजस्टिस होते हैं। रिसेंटली ही कुर्बान का मसला जो है वो जम्मू में सामने आया, उससे पहले ये हमारे पाँच ककार हैं, दीज आर थिंग्स बहुत पोएज हैं हमारे लिए। बिल्कुल, तो हम यही अपील करना चाहते हैं कि जहां आप सिखों को इतना मान सम्मान बख्शते हैं उधर ये ध्यान रखा जाए कि कानून में इनकी महत्ता क्या है, आर्टिकल 25 क्या है, सिखों के लिए ये अकीदत क्या है। तो इसीलिए जहां पे भी सिख होंगे उनके साथ आपने भी रहना है और हमने भी उसके साथ चलना है। क्योंकि आपने भाईचारे की बात की, मैं आपसे एक लास्ट बात जानना चाहता हूँ कि जो हमारे कुछ भाई अभी जम्मू में रह रहे, यानी कि मैं पंडित की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप कश्मीर के साथ शाना बाना शाना रहे, कश्मीरी अवाम में आप बिल्कुल अपने घर में रहे, तो क्या मैसेज आएगा उन कश्मीरी पंडित को जो अभी कश्मीर से बाहर है? देखिए जी, हर किसी बंदे का ये दिल करता है क्योंकि वो अपना घर छोड़ के कोई नहीं जा सकता, अपना घर सबको प्यारा होता है और हर एक कश्मीरी पंडित की भी ये डिमांड है कि वो अपने घर पर आएँ। यहाँ की कश्मीर की हर एक अवाम में हम भी हैं, आप भी हैं, सब हैं, वो दिल खोल के उनका स्वागत करेंगे, ये बात नहीं है। बिल्कुल थोड़ा बहुत जो डिस्टर्बेंस हो जाती है वो हर जगह पे हो रही है, आज दुनिया में कोई भी कोना ऐसा नहीं है। जो अपना घर है वो आपकी उड़ीक कर रहा है, आप ज़रूर आएँ, हम सारे आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं चैनल वन की तरफ से और जम्मू परिवर्तन की तरफ से। आप नाज़रीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी और हमने सारे पहलुओं को लेकर आज यहाँ पे बात की और हमारा सिर्फ मकसद है, क्योंकि आज का जो दिन है ये आपसी भाईचारे का है, एक दूसरे के साथ मेलजोल का दिन है और एक खुशी का दिन है। उम्मीद है कि ये खुशी ना सिर्फ यहाँ पे रहे बल्कि पूरी दुनिया में फैलती रहे। कैमरामैन साहिल के साथ जम्मू परिवर्तन के लिए और चैनल वन के लिए श्रीनगर से मीर उमर।